Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. होंठ गुलाबी और मुलायम हो तो चेहरे की खूबसूरती और बढ़ जाती है। गुलाबी होंठ अच्छी सेहत की ओर भी इशारा करते हैं। हालांकि कई बार होंठों पर कालापन आ जाता है, इसके कारण हो सकते हैं होंठों में तैलीय ग्रंथि या न होने की वजह से इन्हें लगातार नमी की जरूरत होती है। जब ये इन्हें नहीं मिलती है तो ये सूखने और फटने लगते हैं, इससे भी इन पर असर पड़ता है, इसलिए होठों में नमी बनाए रखने की भी जरूरी होती है। आज हम आपको कुछ घरेलू उपाय बता रहे हैं, इन्हें अपनाकर आप अपने होठों को कुदरती रंगत लौटा सकते हैं और इनका कालापन दूर कर सकते हैं। शरीर को सेहत रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी की जरूरत होती है। होठों में भी नमी बरकरार रहने के लिए इसके लिए दिन भर लगभग 8 से 10 गिलास पानी जरूर पिए। शरीर के अन्य अंगों की तरह अपने होठों की सफाई पर भी पूरा ध्यान दें, साथ ही इन्हें सूखा ना रहने दें, कुछ ना कुछ जरूर लगाएं। टूथब्रश सिर्फ दांत साफ करने के लिए ही इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि इससे होठ के कालेपन को भी दूर किया जा सकता है। लिप्स पर जमी डेड स्किन और इनके कालेपन को दूर करने के लिए साफ टूथब्रश से हल्के हाथ से होठों की सफाई करें। ग्लिसरीन से होठों का कालापन दूर किया जा सकता है। इसके साथ ही नींबू के रस की कुछ बूंदें मिला लें, इसके बाद इसे होठों पर लगाएं और थोड़ी देर बाद इसे साफ कर दें, होठों का कालापन दूर होने लगेगा। चीनी और नींबू एक तरह से स्क्रब का काम करते हैं। इन दोनों को मिक्स कर अपने होठों पर हल्के हाथ से लगाएं, फिर अपनी उंगली को धीरे धीरे रब करें। डेड स्किन के साथ होठों का कालापन भी दूर होने लगेगा। गुलाब में कई औषधीय गुण भी होते हैं। गुलाब की पंखुड़ियों की मदद से होठों के कालेपन को दूर किया जा सकता है। इसके लिए गुलाब जल की कुछ बूंदें शहद में मिला लें और इस मिश्रण को अपने होठों पर लगाएं, इससे फायदा होता है। अनार होठों की नमी लौटाकर इन्हें कुदरती तौर पर गुलाबी बनाता है। इसके लिए अनार के कुछ दानों को पीस लें, फिर इसमें दूध और गुलाब जल की कुछ बूंदें मिलाकर इसका मिश्रण अपने होठों पर लगाएं। जैतून के तेल को अपने होठों पर हल्के हाथ से लगाएं और धीरे धीरे इन पर मसाज करें, इससे आपके होंठ मुलायम हो जाएंगे। इस लेख में दी गई जानकारी और सूचनाएं सामान्य जानकारी पर आधारित है। अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक, शेयर और कॉमेंट करना ना भूलें।